जिला कांगड़ा के अंतर्गत छत्तर गांव में स्थित एंजल दिव्यांग एवं अनाथ आश्रम द्वारा आज अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में शांति हवन का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए कामना की गई। इसके उपरांत एक भजन कीर्तन कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। इसके उपरांत आश्रम के प्रथम स्थापना दिवस पर इलाके के समाज सेवी संजय शर्मा ने केक काट कर आश्रम के संचालकों को बधाई दी और बच्चों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। इस अवसर पर समाज सेवी संजय शर्मा ने आश्रम की व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि इस दिव्यांग आश्रम को चलाकर श्रीमती अलका शर्मा व नीरज शर्मा ने दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही पुण्य का कार्य कर रहे हैं। आश्रम में दिव्यांग बच्चों के लिए बिना सरकारी सहायता के सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा, इनके प्रयासों से आज कई असहाय गरीब दिव्यांग बच्चों का इलाज हो रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा संचालित आश्रमों के संचालकों को संदेश देते हुए कहा कि भविष्य में अगर उनके पास समय हो तो इस आश्रम का भ्रमण जरूर करें और इन लोगों से सीखें कि ऐसे दिव्यांग बच्चों के लिए वास्तव में कैसे काम किया जा सकता है। इस अवसर पर दिव्यांग आश्रम की संचालिका अलका शर्मा ने बताया कि यह आश्रम 18 दिव्यांग बच्चों से शुरू किया गया था। अभी आश्रम में करीब 56 बच्चे हैं, जिनका अति आधुनिक मशीनों से इलाज किया जाता है। उन्होंने इस अवसर पर मुख्य अतिथि संजय शर्मा व अन्य सभी अतिथियों का आश्रम के स्थापना दिवस में शामिल होने पर धन्यवाद किया। आज फर्स्ट वर्षगांठ है हमारे एनजीओ की और हमने एक हवन पूजा रखवाई है। अभी केक सेरेमनी हुई है हमारी और हमारे स्पेशल गेस्ट आए हैं संजय शर्मा सर, बड़का भाऊ जिन्हें सब जानते हैं। और मैं थैंक यू बोल रही हूँ सर को कि सर आए यहाँ पे, क्योंकि मेरे प्रेरक तो यही हैं इस काम के लिए। ये तो बहुत कुछ करते हैं, अभी तो मेरा तो स्टार्टिंग है। कि इस आश्रम की जो व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अलका और नीरज और जो इनका स्टाफ जो इस आश्रम को पूरे प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित करता है, इन्होंने बच्चों को वो हर सुविधा देने की कोशिश की है, और बड़े दिल से और बड़े प्रेम से बड़े स्नेह से, ताकि किसी भी बच्चे को इस तरह का कोई एहसास ना हो कि मतलब वो इस स्थिति में है या इस तरह का स्पेशल कुछ है। मैं आपके माध्यम से सरकार द्वारा संचालित जितने भी आश्रम हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भविष्य में उनके पास समय हो तो ज़रूर इस आश्रम को विजिट करें और इन लोगों से सीखें कि बाकिया में काम कैसे किया जा सकता है स्पेशल इस तरह के बच्चों के लिए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।